आज की शूट में हम बात करेंगे यूपी आईटीआई न्यू एडमिशन फॉर्म 2022-23 के बारे में। अगर दोस्तों आप लोगों ने भी 2022-23 के अंतर्गत आईटीआई में न्यू एडमिशन फॉर्म के लिए अप्लाई किया और आप लोग भी अपनी सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों आप लोग को बता दें आज जारी कर दी गई है यूपी आईटीआई की तरफ से सेकंड मेरिट लिस्ट एवं अलॉटमेंट लेटर। सो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका भी सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो दोस्तों आप लोग अपने सेकंड मेरिट लिस्ट को कैसे चेक करेंगे, साथ में अगर आपका नाम है तो आप लोग अपना अलॉटमेंट लेटर को कैसे निकालेंगे, अलॉटमेंट लेटर निकालने के बाद आप लोग एडमिशन कैसे लेंगे, इसके लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और अगर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो दोस्तों आप लोग अपनी थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतजार कब करेंगे और कब जारी होने वाली है थर्ड मेरिट, इसके बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी लेके आए। सो अगर आप लोग भी ये वीडियो को कंप्लीटली देख लेंगे, पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी अपना यूपी आईटीआई न्यू एडमिशन फॉर्म 2022-23 के अंतर्गत सेकंड मेरिट लिस्ट एवं अलॉटमेंट लेटर के बारे में देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी आईटीआई 2022-23 के अंतर्गत सेकंड राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट एवं मेरिट की कट ऑफ को चेक करने के लिए आपको डायरेक्टली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, और वेबसाइट पे आने के बाद मैंने डायरेक्टली लिंक ओपन कर रखा है सेकंड राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर प्राइवेट आईटीआई, और यहां पे दूसरा लिंक ओपन कर रखा है सेकंड राउंड रिजल्ट अलॉटमेंट फॉर गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज। तो दोनों लिंक यहां पे अलग अलग हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने भी प्राइवेट कॉलेज के लिए अपने फॉर्म को अप्लाई किया था तो ये वाले लिंक को ओपन कीजिएगा, और यहां पे आप लोग अपने प्राइवेट कॉलेज की स्थिति तो देख पाएंगे। यहाँ पे चेक करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में नाम आ गया तो आपके सामने लेटर जारी हो जाएगा और उस लेटर का प्रिंट आउट निकालिएगा, उसमें आपको ट्रेड देखने को मिलेगी, जो भी आपने ट्रेड को फिलअप किया होगा उस ट्रेड का नाम होगा, उसी ट्रेड में दोस्तों आप लोगों का नया एडमिशन होगा। नया एडमिशन लेने के लिए आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, टीसी, सीसी, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर आपने EWS लगाया है तो आप लोगों के पास EWS 5 फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने कॉलेज में ले जाने हैं, और कॉलेज में ले जाने के बाद आपको वहाँ पे फीस सबमिट करनी है और अपना नया एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। बाकी ऑफलाइन प्रोसेस वहाँ पे कुछ आपसे 1 से 2 फार्म भरवाए जाएंगे उनके कॉलेज की तरफ से, वो आपको फिलअप करके तुरंत जमा कर देना है और आपका नया एडमिशन हो जाएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट का जो लास्ट डेट है वो दोस्तों यहाँ पर 4 नवंबर 2022 रखी गई है, लेकिन अगर इस बीच में काफ़ी स्टूडेंट नहीं ले पाते तो हो सकता है एक आध दिन डेट बढ़ा दी जाए। तो डेट अगर बढ़ती है तो दोस्तों आपको इसी वेबसाइट पे आके और यहाँ पर रेड कलर की हेडिंग पे देख लेना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। साथ ही में अगर आपने यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई किया है तो आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो लास्ट डेट है सेकंड मेरिट लिस्ट की वो यहाँ पर 4 नवंबर 2022 रखी गई है। सेकंड मेरिट लिस्ट और एवं अलॉटमेंट लेटर को चेक करने के लिए आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपका नाम आ गया तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक अलॉटमेंट लेटर देखने को मिलेगा, जिसे डाउनलोड करके आप लोग अपने कॉलेज में जाके नया एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नए एडमिशन के लिए आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड, 5 फोटो, यस, और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। साथ में अगर आपका यहाँ पर नाम नहीं आया तो दोस्तों आपको एक रैंक देखने को मिलेगी और उस पर लिखा हुआ होगा कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में चयन नहीं हो पाया है, कृपया थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतजार कीजिएगा, और जैसे थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी तो हम आपको चैनल के माध्यम से सूचना दे देंगे। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। बाकी आप लोग अपने अलॉटमेंट रिजल्ट गवर्नमेंट एवं प्राइवेट कॉलेज दोनों के चेक आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चेक करने में फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिएगा, हम आपको 100% रिप्लाई देंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों साथ शेयर कर दो, इस चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।